हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली की सीएम आतिशी से क्यों ये डिमांड करने लगी बीजेपी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। दशहरे पर आतिशी के भाषण का एक हिस्सा शेयर करते हुए भाजपा नेता उन पर तंज कस रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। दशहरे पर आतिशी के भाषण का एक हिस्सा शेयर करते हुए भाजपा नेता उन पर तंज कस रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की भी मांग की है। भाजपा नेताओं ने जो वीडियो साझा किया है उसमें आतिशी ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। शनिवार को दशहरे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सीएम आतिशी समेत तमाम बड़े बड़े नेता अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आईपी एक्सटेंशन में रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने रावण दहन से पहले मंच से संबोधित भी किया। आतिशी ने कहा कि विजयदशमी के दिन इस बात का प्रतीक है कि असत्य चाहे जितना शक्तिशाली लगे, जीत हमेशा सत्य की होती है। भगवान राम ने हमें सिखाया है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मर्यादा के रास्ते से नहीं हटना है। भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलना है, असत्य के खिलाफ संघर्ष करना है, अन्याय के खिलाफ खड़े रहना है। इसका गलती से वह सत्य की जगह असत्य और न्याय की जगह अन्याय बोल बैठे। जिस समय आतिशी भाषण दे रही थी, मंच पर उनके साथ भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता भी थे। आतिशी के भाषण के तुरंत बाद भाजपा नेताओं ने उनकी बात को लपक लिया। उनके भाषण का एक हिस्सा वायरल किया जाने लगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी वीडियो को साझा करते हुए आतिशी से माफी की मांग की है। खबर लिखे जाने तक आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। सचदेवा ने एक्स पर लिखा, आज विजयदशमी है और पूरा देश असत्य और अन्याय पर सत्य और न्याय की जीत का उत्सव मना रहा है। एक तरफ से पूरी दिल्ली पहले से ही आपकी विधर्मी और भ्रष्टाचारी चरित्र से परिचित है और दूसरी तरफ खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का ये कहना असत्य की जीत होकर रहेगी और अन्याय की जीत होकर रहेगी उनकी विचारपूर्ण दूषित मानसिकता का खुला प्रदर्शन है और हिंदू जन भावनाओं को आहत करने का पूर्ण प्रयास भी है। आम आदमी पार्टी और आतिशी मारलेना को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार आपके मुख्यमंत्री के विचार हैं उसे देखकर दिल्ली के आम जनमानस ने इन्हें सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। दशहरे पर आतिशी के भाषण का एक हिस्सा शेयर करते हुए भाजपा नेता उन पर तंज कस रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की भी मांग की है। भाजपा नेताओं ने जो वीडियो साझा किया है उसमें आतिशी ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि असत्य की जीत होकर रहेगी,